मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में अपने दुखों को पुनरुत्थान के पहले भविष्यवाणी के बाद ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों से कह रहे हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्महत्या करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाने के लिए हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब सवाल ही आ जाता है कि क्रूस क्या है? हमारा दैनिक जीवन के संकट या पीड़ाएं, जो दैनिक जीवन के संकट या पीड़ाएं जो इस समस्या को जानते नहीं है उन्हीं के जिंदगी में भी हो रहे हैं। परंतु एक क्रिश्चियन के लिए इन्हीं संकट, इन्हीं पीड़ाएं, इन्हीं दुख सब कुछ ईसा मसीह के क्रूस के साथ जोड़ कर रखना है। ईसा मसीह ने अपने जिंदगी में एक ही बार क्रूस उठाया था, वो पाप क्षमा के लिए था। हमारे जिंदगी में भी हमारा हर एक कार्य पश्चाताप मन से ईसा मसीह के क्रूस के साथ जोड़ कर रखने वाला होना चाहिए, यानी कि हमारे हर एक पापों से मुक्ति प्राप्त करने वाला चीज होना चाहिए। हर एक जन जो क्रूस उठाते हैं वो क्रूस पर ठोके जाते हैं। हमारे पापों को जो पाप की ओर भागते हैं या कुकर्म की ओर भागते हैं उसी को उसी क्रूस पर मुक्तिदायी उसी क्रूस पर ठोक कर रखना चाहिए। हमारे हाथों को जो पाप को कर्म करने के लिए उत्सुक है तो उसी को उसी क्रूस पर कीलों पर ठोक कर रखना चाहिए। हमारे आंखों को, हमारे कानों को, हमारे मुंह को, हमारे चेहरे में सब में उन्हीं कांटों के मुकुट होना चाहिए जो हमें अपने आप में काबू में रखे और इस समते के उसी क्रूस के सन्निधि में बना कर रखे। हमारे दिलों में वही भाला होना चाहिए जो हमारे हृदय के बुरे विचारों को खोल के बाहर निकाल दे, तब जा करके ईसा मसीह का उसी क्रूस का उठाने वाला, उसी क्रूस का होके ये लेके चलने वाला व्यक्ति हम बन जाएंगे। आज ईसा मसीह अपने अनुसरण करने वाला हर एक लोगों को क्रूस उठाने के लिए आमंत्रित करते समय हम पे अपने मुक्ति के लिए इसी क्रूस को अपने जिंदगी में अपनाएं और इसी क्रूस को लेकर के प्रभु के दिव्य सानिध्य में रह करके उसी क्रूस में ही अपने जीवन का मुक्ति को प्राप्त करें। प्रभु यीशु अपनी कृपा वरदानों से आप सबको आशीष प्रदान करें। सबको जय यीशु मसीह।